Hello students, this is the second part, or we can say second video of the lesson number 7, motion, force and work. Okay, in the first video we have seen total 6 terms: distance, displacement, then speed and velocity, then average velocity and instantaneous velocity. Okay, these 6 terms are clear in the video number 1, or first part we can say. Now this is the second video. In this video we are going to see the next remaining 4 terms. What are those 4 terms? Okay, one by one we will see. The first one, in that first one, is acceleration. Okay, very simple it is. Okay, ye acceleration kis se related hai, ye velocity se related hai. Okay, so what is it, that we will see. Okay, aur nahi to ek short mein agar kuch batana hai to change in velocity per second, बस इतना एक सेंटेंस अगर ध्यान में रखा, बाकी उसका जो है एडिशनल वो ध्यान में रखो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. ओके, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. अब कैसा है, क्या है, नाउ लेट अस सी. इन द प्रीवियस एग्जांपल, यानी लास्ट वीडियो के जो वीडियो नंबर 1 दिया था मैंने, ओके, उसके लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, वो ट्रक का. ओके, अगर अभी आपको देखना है तो देख सकते हैं. दिस, ये ट्रक का, दिस एग्जांपल, द ट्रक विच ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू डी. ओके, टोटल 40 किलोमीटर, यहाँ का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर. ओके, देन वी फाउंड द वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये अलग अलग हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की है. ओके, तो दैट सेम एग्जाम्पल यू हैव टू कंसिडर. अगर टेक्स्ट बुक खुला है तो टेक्स्ट बुक वो पेज खोलकर रखो. द ट्रक कवर्ड द डिस्टेंस ए बी एट द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. यानी ए से बी तक जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो वहां की उतनी की वेलोसिटी कितनी मिली थी हमें, 60 किलोमीटर पर आवर. देन बी सी एट 30 किलोमीटर पर आवर, जो हमने कैलकुलेशन किया था. ओके, एंड सी डी एट 40 किलोमीटर पर आवर, जो हमने मैन्युअली हमने कैलकुलेशन किया था. ओके, इट मींस दैट द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस सी डी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस बी सी. ओके, अगर यहाँ की अभी वेलोसिटी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ए बी की कितनी है 60, बी सी 30, सी डी की कितनी है 40, यानी ये डिस्टेंस बी सी से डिस्टेंस जो सी डी है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है. ओके, एंड ए बी की सबसे ज्यादा है तीनों में. ओके, सो फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड्स रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन वेलोसिटी टू टेक प्लेस, द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कैन बी डिड्यूस्ड. ओके, यानी ये वेलोसिटी चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा. ओके, दिस वी कैन कैलकुलेट इन सेकेंड्स पर सेकेंड. ओके, यानी ये वेलोसिटी चेंज हो गई तो पर सेकेंड कितनी चेंज हो गई, दैट वी कैन कैलकुलेट इट. और वो जो कैलकुलेशन करते हैं उसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन. ओके, व्हाट इज इट कॉल्ड, एक्सेलरेशन. नाउ सी द फॉर्मूला अपसाइड दिस. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज. ओके, तो कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई वो, और उसको किससे डिवाइड करना है, कितना टाइम लगा उसको चेंज होने के लिए, बस इतना सिंपल सा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. ओके, तो हम लोग चलाते हैं ना, अभी फोर व्हीलर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ओके, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो एक्सेलरेटर जो हम लोग वो घुमाते हैं, नहीं तो पैर से दबाते हैं, ओके, वो क्या होता है, एक्सेलरेटर. ओके, सो उससे रिलेटेड, एक्सेलरेटर बढ़ाया, ओके, गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, ओके, तो वेलोसिटी बढ़ गई. ओके, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके, स्पीड, वेलोसिटी, ओके, एक्सेलरेशन, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे एक दूसरे के में माने, वी कैन से. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, नहीं तो टाइम भी बोल सकते हैं, लेकिन कौन सा टाइम, कि चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा, दैट चार्ट, दैट टाइम वी हैव टू टेक देयर. नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्यों होता है. ओके, नाउ दैट एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ.
Now you know that the truck driver increases or decreases the velocity of the truck by means of the accelerator. उसके पैर के नीचे accelerator होता है. Okay, accelerator दबाया कि truck की velocity बढ़ गई. Accelerator कम किया कि truck की velocity कम हो गई. हम बोलते हैं ना speed बहुत बढ़ाया, speed बहुत कम किया. Okay, तो speed यानी वो आप यहाँ पर velocity क्यों use कर रहे हैं हम लोग word. Okay, तो velocity यानी वो truck तो straight direction में जा रहा है. ओके okay, तो कितना डिस्टेंस कवर रहा है, कवर कर रहा है कितने यूनिट में, उसको उसको ही बोलते हैं ना वेलोसिटी. ओके सो वेलोसिटी बढ़ गई एंड वेलोसिटी कम हो गई, एक्सीलेटर दबाया छोड़ दिया. तो यू माइट हैव सीन अ टॉय कार दैट रन्स ऑन अ क्लॉक वर्क स्प्रिंग. ओके जो अपने जो खेलने की जो कार होती है. ओके okay, अगर वो घर में अगर कार खेल रहे हैं हम लोग. ओके okay, उसको स्प्रिंग टेंशन वगैरह दे दिया, उसको छोड़ दिया. अगर कहीं दूसरे कार को टकरा गई वो डायरेक्शन चेंज करती है. ओके okay, कहीं अगर सपोज इफ इट डैशेस द वॉल देन इट स्टॉप्स देयर. ओके यानी यहां पर क्या हो रही है, जब वो वॉल को डैश करती है और रुक जाती है वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है. ओके okay, किसी दूसरे का कार को टक्कर लगाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. ओके सो व्हेन इट रिलीज्ड on the flat floor after winding up the spring it goes in a straight line, however when it is hit on one side it changes direction and keeps going, if it collides into the wall it stops, it means that velocity changes. okay, jaise wo khilone ki car hoti hai wo dusre car ko takkar lagati hai to direction change karke nikal jati hai. okay, wahan par bhi thodi si वेलोसिटी चेंज होती है उसकी, लेकिन डायरेक्शन चेंज करके वो वहां से निकल जाती है. अगर वॉल को उसका डैश लग गया और रुक जाती है क्योंकि आगे वो जा नहीं सकती ड्यू टू वॉल. ओके तो वहां पर रुक गई मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई. राइट, देन हाउ डिड दिस चेंज टेक प्लेस, ये चेंज कैसे होता है. ओके और एक एग्जाम्पल है, इट हैपन्स बिकॉज द कार कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विथ समथिंग एक्सटर्नल ऑन एक्सटर्नल टू इट. ये किसकी वजह से कार रुक गई, क्योंकि वो कार पर कहीं से तो भी बाहर का प्रेशर आ गया, बाहर से उसका इफेक्ट हो गया. ओके जैसे चलती कार में अगर हम लोगों ने ऐसा पैर खड़ा कर दिया तो कार रुक जाती है, यानी कहीं से तो भी बाहर का इंटरफेरेंस हो गया. सो दिस अफेक्ट्स द वेलोसिटी. और एक एग्जाम्पल दिया है, ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंज, वी सी सम प्लेयर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय किकिंग इट, व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, दैट इज टू से एन एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस, द इंटरेक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉल. ओके अभी आप लोग देखते होंगे जब ग्राउंड पर अगर आप लोग जब फुटबॉल खेलते हो तो जब एक पहला एक प्लेयर मारता है किक मारता है. ओके वो बॉल दूसरे प्लेयर के पास जाती है, वो उसको फिर से हिट करता है. ओके ही किक्स द बॉल. ओके तो जब वो बॉल किक करता है तो क्या होता है, क्या वो सीधा उसी डायरेक्शन में सीधा जाता है, नहीं जाता, देन द बॉल चेंजेस द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज करता है और वो जो उसको जो फोर्स लगाता है. ओके अपने पैरों से जो फोर्स लगाता है तो वो या तो उसका स्पीड बढ़ा देता है. ओके नहीं तो और डायरेक्शन भी बढ़ा देता है. ओके डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी बढ़ा देता है. राइट, मींस व्हाट, एक्सेलरेट इफ द बॉल गेट्स एक्सेलरेटेड. ओके जैसा ट्रक एक्सेलरेट होता है वैसे बॉल भी एक्सेलरेट होता है. ओके और तीसरे प्लेयर के पास गया, वो उसने फिर से बॉल को किक किया. ओके तो वहां से भी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर से उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया. ओके तो इन दिस वे द चेंजेस टेक्स प्लेस. ओके तो व्हेन, यहां पर सेंटेंस दिया है, व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस, जब बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई तो बॉल की वेलोसिटी भी चेंज हो गई. ओके तो वेलोसिटी चेंज हो गई का मतलब क्या है, ऊपर देखो यहां पर acceleration is equal to change in velocity upon time. okay ye formula dhyan mein rakho aur aap niche ka sentence main padhta hu. okay when its direction changes the velocity of the ball changes, ball ki kya hoti hai, velocity change hoti hai. okay and velocity change hona uska hi matlab kya hai, that is called as acceleration, usko hi bolte hai acceleration. okay
the interaction that brings about the acceleration is called force. और ये acceleration कौन तैयार करता है, कौन कौन accelerate करता है, तो that is force. Okay? जो player है, football player, वो जो kick मारता है, उसके पैर से जो force मिलता है ball को, वो क्या करता है, it accelerates the ball, means it changes the velocity. पूरा connection ध्यान में रखो, force लगाया, फोर्स की वजह से क्या हो गया, बॉल एक्सेलरेट हो गया, एंड बॉल का जो एक्सेलरेशन हो गया उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. ओके, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, राइट. तो ऐसा जो ऐसा कनेक्शन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये तीसरा एक्स्ट्रा और एक आ गया, दैट इज फोर्स. ओके, मैंने बोला था टोटल 10 कॉन्सेप्ट्स इन फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड. ओके, पहले वीडियो में वी हैव सीन टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स. ओके, now in this video we have started this 7th acceleration and this 8th one is force. Pakka dhyan mein rakho, jab tak 10 pure hote nahi tab tak lesson pura hota hoga nahi. Okay, 6 plus 2 8 and 9 and 10 aage dekhte. Okay, so I hope this point is clear till here. Okay, force acts on a body. Force kaha act hota hai, बॉडी पर एक्ट होता है. ओके, फोर्स की वजह से, वंस अगेन आई रिपीट, फोर्स की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है. ओके, रिमेंबर दिस कनेक्शन, कहीं तो भी लिख कर रखो. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज योर ब्रेन पावर. द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, वेरीफाई दिस. ये कंफर्म करना है एक्सेलरेशन का यूनिट. ओके, what is the formula of acceleration? Change in velocity upon time. Okay, तो velocity का formula क्या है, meter per second square. उसको कौन से term divide कर रही है, time. Okay, यानी second, right? तो change in velocity यानी meter per second square upon time taken for the time. Okay, तो ये verify करना है आप लोगों ने. ओके, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन. ओके, ये तो हमने अब तक देखा ही है. ओके, नाउ वी विल सी इट इन डिटेल के एग्जैक्टली फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, राइट. टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ टेबल टॉप. ग्लास मार्बल, कांच की, what is it called, goti. Okay, glass marble, and let it roll on a smooth table top. Ball table par unko ghumne do. Okay, after some time its velocity will decrease and it will stop. On a carom board, two, the carom coin pushed by a striker will move forward some distance and then come to a stop. If the coin is pushed after applying talcum powder to the carom board, it will keep moving for a longer time and then come to a stop. What can we infer from this? Okay, let us understand the activity. पहले activities तो समझते हैं, उसके बाद उसके पीछे क्या science है वो समझते हैं. Okay, एक वो glass marble है, गोटी. Okay, उसको table पर रखो. Okay, और उसको छोड़ दो. Okay, क्या होगा? It will move, keep on moving for a certain time. Okay, and after some time it will come to rest position. Okay, रुक जाएगी, यानी कि after some time its velocity decreases. Okay, अब इसी भाषा में discuss करेंगे velocity, force, acceleration. Okay, then only it you will get clear idea. Okay, तो उसकी velocity decrease हो जाएगी and at last when it will come to rest position means its velocity becomes zero. Okay, ऐसे और एक example है carom board का. तुम लोग carom board पर खेलते होंगे. ओके, जब हम लोग स्ट्राइकर यहां से मारते हैं, ओके, तो इट मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड. ओके, इट मूव्स सर्टेन डिस्टेंस, इधर डैश कर गया, उधर डैश कर गया. ओके, ये सब करके एट लास्ट इट कम्स टू रेस्ट पोजीशन, इट कम्स, इट स्टॉप्स. ओके, तो थोड़ी सी अगर टैल्कम पाउडर डालते हैं उस पर, वो पाउडर जो डालते हैं वो कैरम बोर्ड पर. ओके, पाउडर डालने के बाद अगर स्ट्राइकर अगर हिट किया तो उससे ज्यादा थोड़ा और ज्यादा टाइम वो घूमता रहेगा. ओके, यानी वो स्मूथली घूमता है, घूमता रहेगा, एंड और कुछ थोड़े टाइम के बाद
later on its velocity goes on decreasing and then later on it stops, right? तो इससे हमें क्या सीखना है? What can we infer from this? Conclusion क्या निकलता है? The velocity of the coin decreases due to the force of friction and the coin stops. Okay? ये पूरा ये sentence देखते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग स्ट्राइकर को मारते हैं, okay? तो स्ट्राइकर हमारी जो हमने जो फोर्स लगाया बाय आवर फिंगर्स, ओके, तो वो फिंगर की फोर्स से वो एक स्पेसिफिक स्पीड से निकलता है, स्पेसिफिक वेलोसिटी से निकलता है, ओके, और उस वेलोसिटी से इट मूव्स, ओके, लेकिन वो नीचे का जो बोर्ड है वो बोर्ड उस पर घिसता रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, वो घिसने के कारण थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी थोड़ी 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 कम होते होते देन एट लास्ट इट स्टॉप्स, यानी उस पर क्या एक्ट क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द कॉइन और ऑन द स्ट्राइकर एंड ड्यू टू दैट एट लास्ट इट स्टॉप्स। देन इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन इज रिड्यूस्ड, द कॉइन कीप्स मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट वुड मीन दैट इफ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी इट विल कीप ऑन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो पहले हमने स्ट्राइकर को कैसे हिट किया, पाउडर वगैरह कुछ नहीं थी, दूसरी बार हमने पाउडर डाल दी कैरम बोर्ड पर, ओके ओके, ठीक तरह से वो उसको स्प्रेड कर दिया एंड देन वी हिट द स्ट्राइकर। ओके, तो पहले अगर वो समझो 10 सेकेंड्स तक अगर घूमता रहा तो पाउडर डालने के बाद क्या होगा, वो बोर्ड और वो जो स्ट्राइकर है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता था वो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, नहीं तो कम हो जाएगा, जीरो तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से क्या है, स्ट्राइकर बहुत स्मूथली घूमता है, ज्यादा स्पीड से घूमता है, स्मूथली घूमता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो बोर्ड और उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन कम हो गया। ओके, इसकी वजह से पहला स्ट्राइकर अगर 10 सेकेंड्स तक घूमता रहा तो ये स्ट्राइकर अब इस बार 20 सेकेंड्स तक घूमेगा उसी फोर्स में, क्योंकि उस पर जो एक्ट होने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो गया, तो वो 20 सेकेंड्स तक घूमता रहेगा लेकिन लास्ट में वो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एट लास्ट अगेन इट विल कम टू रेस्ट पोजीशन। वो भी रेस्ट पोजीशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि उस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, यानी हमने पाउडर भी डाली है लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो तो नहीं हुआ है। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं हुआ है लेकिन फोर्स, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, पाउडर भी है तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है लेकिन कम है। ओके, सो ड्यू टू दिस, फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम कर दिया तो ये वेलोसिटी मेंटेन रहती है। ओके, जो बॉडी द बॉडी विच इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग फॉर मोर टाइम। ओके, अगर हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर जीरो कर दिया तो ऐसा सोचो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रखा ही नहीं और एक बॉडी को फोर्स लगाया तो क्या लगता है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा ही नहीं तो द बॉल द स्ट्राइकर विल कीप ऑन मूविंग, द बारबल विल कीप ऑन मूविंग। ओके, आपने ग्राउंड पर भी हम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं, जब वो फुटबॉल हम लोग किक मारते हैं तो एक ही स्पीड से जाता है लेकिन जब वो ग्राउंड पर गिरता है तो उसका स्पीड कम होता है, लेकिन अगर वो ग्राउंड पर गिरा ही नहीं, उस पर फोर्स कुछ एक्ट हुआ ही नहीं तो द बॉल विल कीप ऑन मूविंग एज इट इज विद द सेम वेलोसिटी। हियर ऑल्सो द स्ट्राइकर विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, हियर मार्बल विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, राइट? दिस ओनली पॉइंट इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय द साइंटिस्ट हुज नेम इज सर आइजैक न्यूटन। ओके, द साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स एंड द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। ओके, ये फोर्स और एक्सेलरेशन पर स्टडी करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, तो दैट इज सर आइजैक न्यूटन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन साइंस। ओके, ये आजकल का जो साइंस है वो साइंस में मैक्सिमम, ओके, जो नॉलेज जो है वो इट इज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। सो उन्होंने क्या दिया था, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो क्या बोलते हैं। ओके, ये पहले न्यूटन सर के बारे में थोड़ा सा
जान लेते हैं उन्होंने क्या क्या दिया है, देन वी विल कम टू आवर फोर्स एंड एक्सेलरेशन. इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज. अगर कोई भी एखादी बॉडी है विच इज मूविंग, ओके, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, फोर्स यानी उल्टा, मैं बोल रहा हूं उल्टा फोर्स, अगर कोई एक्ट नहीं हो रहा है, ओके, देन इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती नहीं. ओके, वो जिस वेलोसिटी में वो इट इज मूविंग, इन द सेम वेलोसिटी इट कीप्स मूविंग. ओके, उसकी उसमें कोई चेंज होता नहीं, दैट इज द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, यानी एक्सेलरेट होता नहीं. एक्सेलरेट यानी दो प्रकार का एक्सेलरेशन है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन. जो पॉजिटिव यानी जो स्पीड, जो वेलोसिटी बढ़ाता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, एंड जो वेलोसिटी कम करता है उसको बोलते हैं डेसेलरेशन. ओके, ये आप लोगों को सेवंथ में नहीं है, एक एडिशनल पॉइंट बोल रहा हूँ. ओके, दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, एक वेलोसिटी बढ़ाने वाला और एक वेलोसिटी कम करने वाला. यहाँ पर तो आप लोगों ने दोनों भी लेने हैं. बॉडी डज नॉट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती भी नहीं है, उसकी वेलोसिटी कम भी नहीं होती. ओके, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, यानी बढ़ती भी नहीं कम भी नहीं होती. देन इन अदर वर्ड्स, इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स विच इज फिक्स एट वन प्लेस, इट विल रिमेन स्टेशनरी. ओके, अगर कोई भी वस्तु है, अगर कोई भी पत्थर है समझो, ग्राउंड पर रखा है तो आज भी रखा है वो वैसे ही कर रहेगा, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ तो इट विल रिमेन एट इट्स सेम पोजिशन. ओके, इफ इट इज इन मोशन तो क्या बोलते हैं, इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन. ओके, एंड इफ एनी बॉडी इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन देन इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, राइट, and in the same direction. Now you have learned that what is mean by force. Okay, ab tak humne kya clear kiya, force acceleration humne padha hai. Okay, you have seen that a body is accelerated due to force. Okay, acceleration padha hai humne, force padha hai. Okay, last video mein 6 terms plus these 2, 8 terms clear ho gayi. Okay, due to force, suppose you place the 1 kilogram standard weight. See the chapter on measurement. Okay, उसमें दिया है ये 1 kilogram का क्या है. Okay, measurement में हमने पढ़ा है what is the meaning of 1 kilogram. On a surface with no friction and pull it with an acceleration of 1 meter per second square, the force applied is called 1 newton. Okay, उस क्या उनको क्या बताना है कि अगर 1 kilogram का वजन अगर हमने किसी सरफेस पर रखा है कि जिस पर फ्रिक्शन नहीं है, ओके, विथ नो फ्रिक्शन मीन्स विथ जीरो फ्रिक्शन, ओके, और उसको हमने भी ट्राई टू पुल इट, उसको हमने खींचने की, वी ट्राई टू पुल इट, उसको खींच रहे हम लोग, लेकिन खींचने के लिए हमने कितना एक्सेलरेशन यूज किया, कितना एक्सेलरेशन यूज किया, एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, तो कितना एक्सेलरेशन यूज किया, 1 meter per second square. इतना अगर इस एक्सेलरेशन से अगर हम लोग उसको खींचते हैं तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 newton. उसको बोलते हैं 1 newton फोर्स. ओके, राइट साइड में दिया है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी टू एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन को डायरेक्शन होती है. ओके, तो क्वेश्चन पूछा है फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है. अगर फोर्स लगाते हैं तो उसको डायरेक्शन होती है क्या? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको डायरेक्शन है. हम लोग भी फोर्स लगाते हैं डायरेक्शन होती है? यस, होती है. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. देन नेक्स्ट ट्राई दिस, कुछ एक्टिविटीज है. एक एक्टिविटी दी है, प्लेस अ वेट ऑफ 1 kilogram ऑन अ स्मूथ wooden table, spread some talcum powder evenly on the table. Now pull the 1 kg weight with an acceleration of 1 meter per second square. Again pull it with an acceleration of 2 meter per second square. It means that now you have applied a force of 2 newton. You will have to take many trials for this experiment. Okay, तो एक ऐसे एक एक्टिविटी एक्टिविटी टेबल टेबल ले लो, टेबल पर 1 kilo का वजन रखो. ओके, पहले उसको खींचना है, कितना एक्सेलरेशन लगाना है, 1 meter per second square. ओके, दूसरी बार कितना लगाना है, 2 meter per second square. ओके, तो उसका मतलब क्या है, पहली बार हमने कितना कितना फोर्स लगाया,
1 न्यूटन, दूसरी बार कितना लगाया हमने 2 न्यूटन. ओके, सो इन दिस वे फोर्स इज मेजर्ड. तो फोर्स इज मेजर्ड बाय द एक्सेलरेशन दैट इट प्रोड्यूसेस. फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या हाउ मच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, उस फोर्स ने कितना एक्सेलरेशन तैयार किया. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द फोर्स. Then we have learned about the relationship between the displacement of a body resulting from the force applied to it and the work done. We have also learned about the work energy relationship and that the ability to do work is called energy. All these things are explained earlier. Okay, ab tak humne kya kya padha hai, okay, displacement of the body, then force, then work done, okay, then work and energy relationship. Okay, so all these things are clear up to now. Then next point we are going to see force, displacement and work. Or ek thoda sa add ho gaya, kya hai wo work, right? So now observe the figure. Ek figure hai, observe. Yahan par dekho table ko pulley fix ki hai. Okay, yahan par wooden block hai. Okay, niche weight hai. Okay. Now first read the information. In the figure alongside a string, string यानी ये जो धागा है, okay? ये wooden block और ये weight के बीच में जो धागा बांधा है वो string, okay? Attached to the wooden block on the table is passed over a pulley and tied to the weight, okay? यहाँ से pulley के ऊपर से, okay? यानी वो pulley अगर घूमती तो ये भी इधर. Then on applying a sufficient weight, the block will be seen to move. Which force is being applied here? How can this force be increased? What will happen on applying more force? Then when can we say that work is done by the applied force? Both sare question puche, 4 questions are asked, okay? And all those 4 questions, jab ye 4 question ke answers mil jayenge to hame force, displacement and work pura clear ho jayega. Right, ye figure dhyan mein rakho, table, wooden block, ye dori, pulley, okay, weight, that's all. Okay, the explanation is given down. If the block moves forward, we can say that it has been displaced. बराबर है, अगर वो ब्लॉक की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक हो गई तो हम बोलते हैं वो it has been displaced, यानी उसका मूवमेंट हो गया, right? उसको ही बोलते हैं displacement. Okay, it displaced. Due to the displacement, we say that the force has done some work. Okay. तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो गया, नेचुरली इट इज ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से हो गया. ओके, नाउ कैन वी मेजर दिस वर्क, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी कुछ तो काम हो गया ना, ओके, तो ये कितना काम किया, क्या हम लोग वो मेजर कर सकते हैं क्या? यस, मेजर कर सकते हैं, एवरीथिंग इज मेजरेबल, वी कैन मेजर इट. So we know that work done depends on the force and displacement. Okay, तो कितना काम किया इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, तो उस फॉर्मूले के लिए क्या क्या मालूम चाहिए, कितना फोर्स लगाया एंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना फोर्स लगाया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ओके, अगर ये दोनों बातें मालूम है देन वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन. ओके, उसके लिए फॉर्मूला है, द फॉलोइंग फॉर्मूला एक्सप्रेसेस दिस रिलेशनशिप. वर्क डन और बाय द फोर्स, यानी उस फोर्स ने कितना काम किया, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी, यानी उस बॉडी को जितना फोर्स अप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए लेटर क्या दिया है, एस. वर्क डन के लिए का लेटर क्या दिया है, डब्ल्यू. फोर्स के लिए लेटर क्या दिया है, एफ. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एस ऑफ द बॉडी डैश टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. डब्ल्यू इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S. ओके, ये भूलना नहीं आप लोगों ने, ये आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड तक काम आने वाला है. W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय S. W मीन्स वर्क डन, F मीन्स फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी एंड S मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, ये भूलना नहीं. ओके, अब इसके यूनिट क्या है, इन द SI यूनिट. अब ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, SI यूनिट ऑलरेडी इट इज एक्सप्लेन इन लास्ट लेसन. द SI सिस्टम
In the SI system, the unit of work is joule, while in the while the unit of force is newton, and the unit of displacement is meter. In CGS system, the unit of work is erge. Okay, yeah, all these joule, newton, erge, all these are the names of scientist. Okay, ये साइंटिस्ट के नाम है. All these units, they are given the names of the scientists, so that we should remember those scientists. Okay, whatever the collaboration, the work they have done. Okay, devotion they are given for science. To remember them, to memorize these scientists. Okay, ये नाम दिए हैं उनको. Okay, जूल साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, अर्थ साइंटिस्ट का नाम है. Okay. To the right side, what is given? If a force of 1 newton parallel to the surface of a table is applied to a wooden block on the table and the block is displaced by 1 meter, then it can be said that the force has done 1 joule of work. In this example, the displacement is in the direction of the force. Okay, अगर किसी table पर अगर हम लोग block रखते हैं, wooden block, okay, और वो wooden block पर अगर कुछ फोर्स एग्जर्ट करते हैं, कितना फोर्स, ओके, तो 1 न्यूटन का फोर्स अगर उसको अप्लाई किया, ओके, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर. फोर्स कितना लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो गया. इसका मतलब क्या है कि वो काम कितना हो गया, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. राइट, हियर द लेसन इज ओवर. ओके, then next questions are there. Total how many questions are there? 7 questions are there in this lesson. Okay, solve all the questions, simple questions they are. Okay, I will stop the video here now.